कैसे हो? ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ। बिग बॉस से निकलती शादी कर ली भाई, ये भाई बन गया, कुछ बोल भी नहीं सकते ना। और भाई मजे के सीन इस बार बिग बॉस 19 को होस्ट भी सलमान खान ही कर रहे हैं। ये तो फिर मतलब अच्छा सीजन होगा, अच्छा सीजन होगा ऐसे भाई, क्रेजी है भाई। क्या एपिक गेमर्स और एंटरटेनर्स ढूंढ के लाए हो आप लोग, बहुत ही तगड़े, सो कांग्रेचुलेशंस। बस भाई तो हाँ। एंकर्स में चूक हो गई, वो पुराने वाले ही लाने पड़ गए। इतना चुभने लगा हूँ सबको, ये वन लाइनर्स छुरा तो नहीं हूँ। ये सही रजत, आप भी पॉलिटिशियन हो? नहीं नहीं भाई, हाथ जोड़वा लो, इन चीजों से कभी बनना भी नहीं। आप एक्टर हो? कुछ भी नहीं हूँ मैं। ये अलग ही जवाब था भाई, इनको बताने दे भाई मैं क्या हूँ, वेट लिफ्टर हूँ क्या, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब डेट के मुताबिक जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल नाम रहा 2024 में, वो नाम रजत दलाल थे। और अब जो है फाइनली उनकी एंट्री बिग बॉस सीजन 18 में होने जा रही है, हमारे सामने आ रही है। अब मजा आएगा भाई कलेश देखने। ये तो क्या वायरल जा रही है, जो दिलजीत बाजी के मतलब कॉन्सर्ट में हानिया मेरे सारे स्टेज पे बुला लिया, तो भाई क्या वायरल जा रही है भाई। इस टाइम फेड इंस्टाग्राम की बड़ी बड़ी है इन चीजों से भाई। हाँ ये बहुत वायरल जा रहा है, सही बात है। जेल नहीं जाऊंगा भाई। हाँ नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे भाई, भेज रहे हैं। अरे मैंने देखा है अंदर, बहुत बुरा फील होता है भाई। तुम तो नकली वाली जा रहे हो, मैं ऐसी गलती होके आया हूँ। Who's your favorite stand-up comic? मुनावर फारूक है। तो आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं, झूठ झूठ आया, झूठ। मेरी बहन आई हुई है, उसने झूठ बोला है। आपकी बहन है ना वो? पक्का? या ज्यादा मुनावर का फैन तो नहीं आप? एक सेकंड, आपने इतने पैसे कैसे कमाए? वड़ा पाव बेच के। वड़ा पाव बेच के इतने पैसे? साथ में रोती भी तो हूँ। वो यूनिक गिफ्ट आप क्या दो भाई? मैं दूंगा एक वो ग्लासेस आते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है, क्योंकि उनकी आंखों के थ्रू मैं पूरा वर्ल्ड देखना चाहता हूँ। तो मैं इनके साथ सारी स्ट्रीट एक्सप्लोर करूंगा पहले, तो फिर घर जाएंगे तो काव्या को क्या पसंद है वो हम सीरीज देख के ही बता पाएंगे। काव्या हैज टू डिसाइड किसको मिलेगा ग्रीन फ्लैग और किसको मिलेगा रेड फ्लैग। रेड फ्लैग नंबर 3। ओ माय गॉड, मुझे स्लो नहीं पसंद आपको? ओ शिट यार, भाई सच में मैंने जब देखी है ना वीडियो, भाई सच में पिकअप लाइंस अच्छी थी मूवी। हाँ। पर भाई बाय कर दिया उनको, चलो किस्मत में था उसकी। बाकी जो भी पिकअप लाइंस अच्छी थी इसकी। हाँ। जस्टिस पर मूवी शायरी लड़की ने कहा किया भाई। मिले हैं तो एक अर्ज किया है, उछल के आ रही थी तो लग रही थी हसीना, उछल के आ रही थी तो लग रही थी हसीना, उसको देख के मेरा निकल गया पसीना, उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से आवाज आई, ले लो पुदीना। अरे भाई आप ऐसे कौन कौन है जो विंटर को वू करना चाहेंगे? अरमान अरमान Not at all. बहुत nervous होता हूँ ना इसको देख के। That's so cute. That was so cute.
तो जब मैं पहली बार ट्रैवल्स पे आया था तो बहुत नई जगह थी, मैं किसी को जानता नहीं था, पर बस एक ही चेहरा अलग से दिखता था और वो था तेरा। मुझे लोग हैरी पॉटर बोलते हैं फॉर सम रीजन, तो आई थिंक कि हम दोनों की जोड़ी मैजिकल भी हो सकती है। पर वो झाड़ू पे नहीं बैठेगी। नॉट यू राकेश। पूरी दुनिया कह रही है स्मार्ट लग रहा है, दोस्त बोलना चाहिए फुद्दू लग रहा है। पक्का दोस्त वही है जो आपके मुंह पे कभी आपकी तारीफ नहीं करेगा, लेकिन पीठ पीछे ऐसे ढोल पीटेगा आपके नाम के कि आपको अगला आके बोलेगा कि सही है तुम्हारी दोस्ती अच्छी है। प्रो फ्रेंडशिप। इसका सोल्यूशन देता हूँ, सारे रूल्स को करते हैं एक साइड, तुम्हें मैं मौका देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ और 1v1 कर खत्म करते हैं आज इस किस्से को, ये भाई की वो भी हो जाएगी। ये अब मजा आएगा भाई प्लेग्राउंड। आप लोग में से सब लोग रेडी है ना देखने को? सब आर्यांश रेडी है और भाई अब मजा आएगा। 1v1 अब करवा रहे हैं, मजे के गेम तो करवा रहे हैं। सीधा भाई टीम्स थी ना, मतलब अब भाई क्लेश हो गया इसके अंदर, क्लेश अपने रिस्क पे है सब कुछ। चलो 3-2-1 गो। हाल गाल रुक 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 नहीं नहीं दलवीश भाई ने रुकवा लिया उसको। क्लेश रुक गया दोबारा। हमें ऐसा कोई शो नहीं बनाना जिसमें रातों रात रेटिंग आ जाए भैया। कई बार रातों रात वायरल होने वाली चीजें अंदर भी पहुंचा देती हैं। क्यों मुनव्वर? क्या रोस्टिंग करिए भाई शो में। हाँ भाई ये शो मतलब है तो खाना पकाने वाला भाई, ये रोस्ट किए जा रहे हैं लोगों को। आपको हर कोई बोलता है जान बोलने का हक किसको दे रखा है आजकल? वो किसी को हक नहीं देना जान बोलने का, जान से स्टार्ट होता है और फिर जान ले लेते हैं। ये एडिट भाई इतनी बार देख ली है पर हर दफा क्रेजी लगती है। आप जब ऐसे आते हो व्हाट इज दैट? वो मुझे आपके अंदर गुदा नहीं है पहले, आपके अंदर गुदा नहीं है पहले मारने का? मैंने कभी नहीं बोला मैं मारने। सबसे बड़ा फट्टू इंसान वही है जो सामने वाले को बोले मेरे को छू के बता। अच्छी एडिट थी भाई, बहुत ही सही एडिट थी। और भाई बहुत ही क्रेजी एडिट थी यार, मतलब हमें तो काफी अच्छी लगी भाई। पर्सनली भाई रजत दलाल भाई चले गए हैं बिग बॉस के, तो भाई क्या क्लेश देखने को मिलेंगे उसके अंदर भाई। सही बात है यार, तो भाई बहुत क्रेजी सीन है वो। तो भाई आयुष भाई की भी फुल सपोर्ट है, उन्होंने तो इतनी वीडियो में बोला भैया भाई अगर उसकी सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो भाई जरूर कमेंट में बताना। बाकी बात करें दूसरी एडिट्स की, वो भी काफी अच्छी एडिट्स भाई, प्लेग्राउंड तो इस टाइम टॉप पे चल रहा है भाई। और अगर रजत दलाल की वापस बात करें तो ये है कि देखो कटारिया को भी आयुष भाई ने फुल सपोर्ट किया था, तो इनको भी सपोर्ट करेंगे, बट ये है कि वो जीते रहे थे कटारिया क्योंकि गेम पे डिपेंड करता है और वैसे भी मेकर्स पे डिपेंड करता है कि किसको विनर बनाते हैं। तो ये है कि वैसे तो सपोर्ट अपनी भी है फुल ठीक है, तो ये है कि देखते गेम कैसी चलती है, बाकी भी कंटेस्टेंट उनकी गेम देखेगा तो अच्छा खेलेगा कि मतलब फॉर श्योर वो विनर बनेगा। तो ये है कि वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।